नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हॉलो पाइप के चौखट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि कैसे आजकल खोखले पाइप का चौखट है उसे बनाया जा रहा है, बाज़ार में बेचा जा रहा है, प्रति चौखट आपको कितना रुपये तक पे करना पड़ता है, उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस खोखले पाइप का चौखट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चौखट से पहले हम लोग कितने तरह के चौखट का इस्तेमाल करते थे, तो ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लोहे के चौखट के अलावा दोस्तों, आप जान रहे हैं कि मार्केट में अभी लकड़ी और उसके साथ साथ मार्बल का चौखट, ग्रेनाइट का चौखट, यहाँ तक कि प्लास्टिक का चौखट के साथ साथ प्लाईवुड का चौखट भी आजकल मार्केट में आसानी के साथ उपलब्ध है। उन सारी चौखट के बारे में मैं आपको बारी बारी से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानते हैं होलो पाइप के चौखट के बारे में, जो कि बिल्कुल दोस्तों देखने में लकड़ी का चौखट जैसा ही लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। आप देख लीजिए, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर ज्वाइंट किया जाता है, इससे वेल्ड करके यहाँ पर जो ज्वाइंट है उसे लगाया जाता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि इसका किस तरीका से बनावट है। बिल्कुल लकड़ी जैसा ही दोस्तों आपको फिनिशिंग इसका मिलता है, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। अगर आप अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। चौड़ाई देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ये दोस्तों अंदर जाम हो जाता है आपका। ये जो आप क्लैंप देख रहे हैं, इसके द्वारा ये आसानी के साथ जाम हो जाता है। आप अपने मनपसंद साइज़ के साथ ये क्लैंप लगा सकते हैं, और यहाँ पे वेल्डिंग भी देख सकते हैं, वेल्ड के द्वारा क्लैंप यहाँ पे लगाया जाता है। आप देखिए किस तरीके से होलो पाइप ये रहता है। आगे मैं आपको हालांकि अच्छे से दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप अच्छे समझ पाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको कोर देखने को मिलता है, बिल्कुल लकड़ी के जैसा ही आपको यहाँ पर फिनिशिंग देखने को मिलता है। आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि आपका लिंटल के पास जाम होता है। तो देखिए, इस टाइप का आपका चौखट है, हर एक साइज़ में आप बना सकते हैं। अपने दरवाजा के जो साइज़ छोड़े हैं आप, उस साइज़ में आसानी के साथ आप इसे बनवा सकते हैं। लॉकिंग सिस्टम सारा चीज़ बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए कि क्यों इसके हॉलो पाइप बोला जाता है, क्योंकि ये जो पाइप का बना होता है ये दोस्तों अंदर में खोखला रहता है। आप देखिए, कुछ इस तरीका से खोखला रहता है। पहले ये दोस्तों आप चादर का देखते थे, चादर का चौखट बनाया जाता था, लोहे का जो हमारा सीट रहता है उसे ही मोड़ कर बनाया जाता था। लेकिन आजकल दोस्तों सेम इसी शेप में ढलाई होकर आता है, और इसका दोस्तों जो फिनिशिंग है वो काफ़ी कमाल का रहता है। आप देख लीजिए अंदर का शेप, कुछ इस टाइप का आपको ये चौखट देखने को मिलता है। हालाँकि कई दोस्तों आपको ये साइज़ जो है आपको कई गेज में उपलब्ध रहता है, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज के आसपास का आपको चौखट उपलब्ध रहता है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कितना वज़न में चाहिए, क्योंकि अगर आप कम गेज का चौखट बनवाते हैं तो उसका जो वज़न है वो बढ़ते चला जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ आपको चौखट है वो मज़बूत भी मिलता है। तो देखिए, नीचे वाला हिस्सा है ये आपका, नीचे में जाम हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लॉक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक हॉल रहता है जिसमें आप आसानी के साथ अपने दरवाज़ा का जो कुंडी रहता है उसे लगा सकते हैं, और आसानी के साथ आप लॉकिंग सिस्टम का मज़ा भी ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल वो मज़ा आपको मिलेगा इस चौखट में जो कि लकड़ी वाला चौखट में आपको मिलता है। तो इस तरीके से तो ये तो बात हो गया दोस्तों साइड वाला लॉक का। अब देख लेते हैं कि आप ऊपर भी अगर लॉक करना चाहें दरवाज़ा को, तो देखिए वहाँ पर ऊपर में भी लॉक करने के लिए आपको आसानी के साथ बनाया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे आप चिटकिनी ऊपर वाला लॉक कर सकते हैं। तो सारी वो चीज़ें आपको मिलती है इस लोहे का चौखट को। अगर आप अच्छे कलर से पेंट कर देंगे तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होने वाला है, बिल्कुल आपको लकड़ी का मज़ा मिलेगा। तो आप जान लेते हैं कि क्या रेट में ये बाज़ार में उपलब्ध है होलो पाइप का चौखट। तो मैं आपको बता दूँ कि इस चौखट को प्रति केजी के हिसाब से बनाया जाता है, और प्रति केजी हमारे यहाँ भी 120 रुपये का रेट
चल रहा है। तो अगर आप एक 7 फीट बाई 3 फीट का चौखट बनवाते हैं तो लगभग लगभग 25 केजी के आसपास इसका वज़न आता है, जिसको 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देखा जाए तो 3000 रुपया इसका रेट आता है। मतलब प्रति चौखट आपको 3000 रुपये के आसपास आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आप अपना दोस्तों देख लीजिए कि आपको किस तरीके का चौखट लगाना है। मैं हर एक प्रकार का चौखट के बारे में आपको जानकारी देते रहता हूँ, डिसाइड वो आपको करना होता है कि आपके लिए कौन सा चौखट सूटेबल है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ। फिर मिलेंगे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।